नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी 5 का प्राइम टाइम के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। पिछले 10 महीनों से भारत और चाइना के बीच पूर्वी लद्दाख के इलाके में जो तनाव की स्थिति बरकरार थी उस पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है और आज इसी अहम मसले पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान भी चर्चा में शामिल होने के लिए समय जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ आरपी सिंह इस समय जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास चर्चा में। राजीव जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। पिछले 10 महीनों से जो तनाव की स्थिति थी उस पर विराम लगाते हुए जाहिर सी बात है आज हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखा दी। हिंदुस्तान ने जो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये मसला था, उसमें आखिरकार हम कामयाब हो ही गए। ड्रैगन डर गया, कितनी बड़ी कामयाबी आप इसे मान रहे हैं? देखिए, बहुत ही ये सराहनीय और उपलब्धि को मैं इसको मानता हूं। जिस तरह आज तक जो चीन के सामने, चीन हमारे ऊपर धौंस जमाता रहा है जी, जब मर्जी हुआ हमारे अंदर घुस गया और हम उसके साथ हमेशा एक शांति वहीं पर उसको रुकने देते और फिर बाद में जो है उसके साथ समझौता करते रहते, कहीं भी चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुआ था। ये पहली बार है जो मोदी सरकार जी ने, इन्होंने काफी एक जो है मैं एक स्ट्रिक्ट उन्होंने जो है एक रुख अपनाया जो किसी हालत में हम एक इंच भी अपनी जमीन से समझौता नहीं करेंगे और चीन को उसको नहीं कब्जा करने देंगे। और इसी के कारण जो हमने उसका डट के मुकाबला किया है और कहीं भी उनके सामने हम डरे नहीं, उनके धौंस में नहीं आए हैं, जो आज चीन को हमारी बात माननी पड़ी है, उसे समझौता टेबल पर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है, ये मैं कहूंगा ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जनता के लिए भी संतोष की बात है। आगे भी हम जहां भी चीन चलिए ठीक है, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल आरपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब, आपको क्या लग रहा है, वाकई में आप इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? 10 महीनों में हालात यहां तक उत्पन्न हो गए थे कि युद्ध जैसे हालात की बात भी कही जा रही थी, लेकिन आज जब समझौते की बात कही गई, देश के संसद के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बयान सामने आया, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मसले को और ये किन किन मोर्चों पर हिंदुस्तान ने कामयाबी हासिल की जिस वजह से आज कई दिन देखने को मिला? कामयाबी का ये जो मंजर है, ये हम लोग का जाना पहचाना मंजर है, क्योंकि चाइना के साथ कभी भी पहले ऐसे कोई कार्रवाई हुई है तो उसमें 10 महीने पहले भी लगे हैं, चाहे ढोकलम क्राइसिस रही हो, चाहे उसके पहले अभी जो है पोंगसेंग की क्राइसिस रही हो। और इस क्राइसिस को देखते हुए भारत इतना सचेत हो गया था कि चाइना को कोविड-19 के होते हुए बुरी तरह से कॉर्नर किया गया, डिप्लोमेटिक तरह से, दूसरा जो है आर्थिक तौर से, और तीसरा जो है सामरिक तौर से। हमारी जो फौज है पहली बार नदन बॉर्डर के ऊपर ऑफेंसिव कोर का एक तरह से रिहर्सल हुआ है, जिसमें कि ऑफेंसिव कोर ने पूर्ण रूप से वहां पर, बल्कि सेना के तीनों अंगों ने अपनी क्षमता दिखाई है। जी। आपको ये भी बता दूं कि जो थिएटर कमांड की स्थापना होने का एक मुद्दा ये भी बन चुका है कि तीनों सेनाओं के अंगों को एक साथ जो है चाइना या किसी भी बॉर्डर पे जा करके तैनात होना पड़ेगा। आपको बता दूं मैं कि पोंगसे लेक में नेवी के कमांडोज लगे हुए हैं, एयर की रखवाली करने के लिए एयरफोर्स लगा हुआ है जी। और थल की रखवाली करने, माउंटेन्स वॉरफेयर को रखवाली करने के लिए पूरी माउंटेन कोर की स्ट्राइक कोर लगी हुई है, और उसके साथ ही साथ पहली बार जो है माउंटेन के अंदर जो है आपके जितने भी मैकेनाइज के दस्ते हैं वो भी आगे तक जा चुके थे, उसमें की न कि मैकेनाइज के बीएमपी ही है नहीं बल्कि T-90 टैंक जो कि डेजर्ट के एक्सपर्ट होते हैं माउंटेन के ऊपर जा चुके हैं। इसमें जो चाइना की हालात है वो आप सबको पता है, जो गलवान वैली के अंदर हुआ था उसका जो जवाब दिया गया, बिल्कुल इसी पर मैं आऊंगी आरपी सिंह साहब, जब जून में गलवान घाटी के अंदर वो तस्वीरें सामने आई थी, वो खबर निकलकर सामने आई थी, तो हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे थे। और उन तमाम हालातों के बाद, उस पूरी सिचुएशन के बाद और चीन की अपनी जिद के बाद अब ये जो समझौता हुआ है, इसलिए मैं आपसे बार बार यही जानना चाह रही हूं कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सी नब्ज हमें चीन की मिल गई जिसके बाद चीन पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया?
देखिए, चीन के हटने की नब्ज तो हमने उसी दिन पकड़ ली थी जब चीन ने हमारे ऊपर एक तरह से गलवान वैली में कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसी समय जो जवाब दिया, भले ही हमारे 20 जवान शहीद हुए, एक बटालियन में क्षति हुई, लेकिन हम चाइना अभी माने या ना माने उसको 10 गुनी खानी पड़ी थी। और उन्होंने उस चीज को जानते हुए कि उनका नुकसान आगे बढ़ता जाएगा, वो और बढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि कैलाश रिज के ऊपर भी आज हमारी सेनाएं जो कि डोमिनेट कर रही हैं, और चाहे पोंगसे लोग को डोमिनेट कर रही हैं, अपनी उनकी जो भी मूवमेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी हमारी वेपनरी सिस्टम है वो मॉडर्नाइज होती जा रही, बल्कि सशक्त हो गई। हमारा डिफेंस बजट के अंदर इतना पैसा और सामान आ चुका है, अभी राफेल ने तो वहां पे ट्रायल रन भी कर लिया है, तो उसकी जो हमारी मारक क्षमता इतनी बढ़ चुकी है कि हम लद्दाख से लेकर के नेफा तक चाइना की जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम पूर्ण रूप से सक्षम है चाइना को किसी भी हालात में रोकने के लिए। राजीव रंजन जी भी है उनका रुख करते हुए। राजीव जी, चौतरफा हमने इस कदर चाइना पर दबाव बना दिया कि आखिरकार उसे पीछे झुकना ही पड़ा। न सिर्फ जमीनी स्तर पर हमने सैनिकों की संख्या बढ़ाई, वहां से हमने सख्ती भरा संदेश दिया, बल्कि लद्दाख के आसमान में भी तेजस, मेघ, अपाचे, चिनूक जैसे, राफेल जैसे जब विमान उड़े तो ये सख्ती भरा संदेश, सीधा संदेश चाइना को, और उसका असर आज सबके सामने। कोई शक नहीं है, देखिए ये पहली बार हुआ जब हमने डट के चीन का मुकाबला किया। हाँ। और चीन को लग गया जो उसके धौंस में, उससे हम डरने वाले नहीं हैं और हम मुकाबला करने के लिए हर पल हर रूप में तैयार हैं। और जहां तक मैंने पहले भी कहा है, जहां तक हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर की बात है, तो उतनी ऊंचाई पर हमारे ट्रुप्स किसी रूप में उनसे ज्यादा सक्षम है, ज्यादा जो है उनको एक्सपीरियंस है। हाँ। और ये चीन एक भी जानता है जो उनके सैनिकों को वहां पर लड़ने में प्रॉब्लम होगी, और वो केवल अपनी शक्ति के बल पर अपनी जो है एक प्रेशर बना के हमें आज तक डराता रहा है। और ये पहली बार हमने उनका डट के मुकाबला किया है, और जब उन्होंने देखा कि हम नहीं डरने वाले हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, और हम अपनी जमीन को वापस लेने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, तो चीन को जो है घुटना टेकना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, समझौते के टेबल पर आना पड़ा और हमारी बात माननी पड़ी। और राजीव जी, ये भी दिखा दिया हिंदुस्तान ने कि ये नया हिंदुस्तान है, इसे पुराना हिंदुस्तान ना समझा जाए, और अब हम रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर पहले से बहुत ज्यादा सशक्त हो गए हैं, और इसी वजह से चौतरफा दबाव बनाते हुए चाइना को इस कदर मजबूर किया गया। इसमें कोई शक नहीं है, देखिए ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, बिल्कुल ये 1920-21 का हिंदुस्तान है, इंडिया है, और आज इंडिया का पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी एक छवि जो बनी हुई है इस सरकार के अंदर, तो जानती है जो आज ये इंडिया बहुत ही मजबूत है और सक्षम है हर रूप में अपने को सुरक्षा करने में और डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। और आज अंतरराष्ट्रीय शक्तियां भी हैं, वो आज देश के पक्ष में है, इंडिया के साथ हैं, कहीं ना कहीं चीन को इसका भी दबाव था और इसका भी असर पड़ता है। ठीक है, यानी कि आरपी सिंह जी, एक बार फिर से एलएसी पर यथास्थिति बरकरार कर दी जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी 48 घंटे के बाद दोनों देशों के बीच, प्रमुखों के बीच एक बार फिर से बैठक होनी है, आप जरा इस बैठक के बारे में बताएं। और फिलहाल ये जो कहा जा रहा है कि 48 घंटे तक इंतजार किया जाएगा कि भाई जो कहा गया था वो किया गया कि नहीं किया गया, उसके आधार पर अब बैठक में फिर आगे बातचीत होगी, इसे कैसे देख रहे हैं? इसमें किस किस चीज पर महत्वपूर्ण तौर पर चर्चा होगी? देखिए, जो अभी जो स्थिति थी 10 महीने पहले अप्रैल में, और अभी गलवान वैली से पहले जो स्थिति थी, जो स्टेटस को मेंटेन की बात की जा रही है, उस पर तो मुझे भी कुछ अभी भी देखना पड़ेगा कि क्या होगा। हाँ। क्योंकि जो भी जो हालात अभी आज की है, शायद ही मुझे तो मुमकिन नहीं लगता कि वापस वही स्थिति आएगी, क्योंकि दोनों सेनाओं ने दोनों चाइना की हो चाहे अपनी हो, अपनी स्थिति को इतनी मजबूत किए हुए हैं कि उस स्थिति को कितना छोड़ेंगे ये मुझे नामुमकिन लगता है। भारत भी ऐसे रिजेस पे बैठा हुआ है जो कि चाइना की तरफ डोमिनेट करता है, जो आपके सदर्न बैंक में और नदर्न बैंक के ऊपर जो हालात है उसमें जो है आपके जो चाइना के बैठे हुए, तो इस हालात में देखने लायक होगा कि कहां पे कितना विड्रॉल होता है।
पिछले जितने भी करीब 8 या 9 मीटिंग जो भी कमांडर्स के लेवल पे हो चुकी थी, अभी एक सक्षम कमांडर वहां पे पहुंचे हुए हैं, वो मीटिंग का हिस्सा आगे कितना ले जा सकते हैं ये देखने लायक। जहां तक कि बीच-बीच में तमाम डिप्लोमेटिक चैनल पे है, हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से जो सख्ती दिखाई गई, जो फूक फूक कर कदम रखा गया, बारीकी से एक एक रणनीति बनाई गई, वो कितनी कारगर साबित होती हुई नजर आई, उसका किस हद तक असर आज के समझौते पर, आज के इस फैसले पर आप मानते हैं? क्योंकि सेना को एक तरीके से फ्री हैंड कर दिया गया था भारत की। ये नहीं, नहीं देखिए, चाइना के जो भी कोशिश थी उसको नाकाम कर दिया गया, जो नाकाम थी उनको गलवान वैकल के हुए, जो भी उन्होंने अपनी ताकत आजमाई थी उसको हम लोगों ने उसको तुरंत काउंटर किया, बल्कि उन्हीं के जगह पे ऐसी डोमिनेटिंग हाइट्स पे हमने कब्जा किया कि उनकी हालात और खराब हो गई। जो कैजुअल्टी उनकी हुई है उनकी हालात पता है, उसके बाद से उसका असर ये हुआ इकोनॉमिक तौर से और अंतर्राष्ट्रीय तौर से उनको सभी देशों ने नकारा किया। भारत ने आर्थिक रूप से उनको एक तरह से इस तरह से गिरा दिया कि उनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई। जो भी उनकी टेक्नोलॉजी थी, जो भी आपके समझ लीजिए कि जो साइबर वॉरफेयर है, उसको भारत ने काफी सक्षम रूप से काउंटर किया हुआ है। आज की हालत यह है कि भारत का जो सामान खरीदने की सामरिक रूप से क्षमता थी उसको 10 गुना बढ़ा दिया गया है, और हमारी सेनाएं जो कि जितनी स्लो जितनी धीमे गति से सामरिक रूप से नजर सेक्टर को देख रही थी, छोटे छोटे स्टेप्स काउंट होते हैं। और ऐसे में आपसे राजीव जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि आज ये जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, इतना बड़ा जो कदम उठाया गया है, ये जो बड़ी सहमति बनी है, ऐसे में आप क्या मानते हैं सेना की तैयारियों के साथ साथ सरकार की सख्ती का कितना असर हुआ है? क्योंकि दोनों जब एक साथ आएंगे तभी ये दबाव चाइना पर बनाया जा सकता था, और यही किया गया, और आज नतीजा सबके सामने। आपका मत? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है द विल ऑफ द गवर्नमेंट। जहां गवर्नमेंट की विल अगर स्ट्रांग होगी तभी सेना कुछ एक्शन कर सकता है। गवर्नमेंट ने सेना का हाथ बांध दिया, उसे कुछ करने नहीं दिया, तो सेना अपने आप आगे नहीं बढ़ सकती है। जैसे कि आपने पहले देखा है पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये होता रहा, ये इस बार इन्होंने सेना को फ्री हैंड दे दिया, ठीक है आप जाओ, आप पीछे नहीं हटोगे, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है। तो गवर्नमेंट का एक की हाथ थी, पूरी सपोर्ट थी, जिसके कारण सेना का भी मनोबल ऊंचा हुआ। आपने देखा मोदी जी गए थे लेह में, लद्दाख में जाके उन्होंने फ्रंट पे जाके जहां पर की पॉइंट जीरो था, ग्राउंड जीरो था, जहां पर की कंफ्लिक्ट की पॉइंट थी, वहां पर जाके उन्होंने सेना को संबोधन किया। ये एक बहुत बड़ी चीज है, उपलब्धि है, जिसमें की सेना का हौसला ही नहीं, पूरे देशवासियों का भी जो है उसमें हौसला और उनको विश्वास जगा। तो ये एक गवर्नमेंट का साथ जरूर है, लेकिन हमें एक दूसरे रूप में भी देखिए, अभी एक अभी अभी अनाउंस किया है राजनाथ जी ने, हमें इसके पूरे प्रारूप को देखना पड़ेगा। और जहां तक कि मेरे दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है चीन की विश्वसनीयता, चीन कितनी इसके ऊपर अमल करता है, कितना इसको मानता है और अपनी सेना को पीछे हटाता है, जो कि आज तक उसका जो रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री रहा है, वो इस मामले में काफी कमजोर रहा है, और उनके ऊपर विश्वास हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, चाइना पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता है। आरपी जी, आपको क्या लग रहा है? चाइना की विश्वसनीयता को लेकर पहले भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं, पीठ में छुरा घोंपने का काम हमेशा वो करता रहा है, इस बार सहमति तो उसने दे दी है, लेकिन क्या वाकई में इस बार वो सच बोल रहा है, वाकई में वो ऐसा करने जा रहा है जो उसने कहा है? देखिए, वो सच बोले या झूठ बोले, लेकिन भारत हर सिचुएशन के लिए अब तैयार है। बिल्कुल, भारत वो भारत नहीं रहा जो 10 महीने पहले था। 10 महीने पहले LAC को LAC बोला जाता था, अब शायद वो LAC अब नहीं रहेगी। ऐसी जो कार्रवाई चाइना ने किया है, इसके पहले भी उन्होंने कई बार किया है, डोकलम से लेकर के कई बार ऐसी कार्रवाई हो चुकी है, नेफा साइड में हो चुकी है, सिक्किम में हो चुकी है, भूटान में हो चुकी है, बिल्कुल यहाँ भी हो चुकी है, लेकिन वो पहले और अब में ढोकलम आप गलवान वैली के बाद अब वो कार्रवाई करे या न करे, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। जैसा कि राजनाथ सिंह ने शायद पार्लियामेंट में इसका बयान भी दे चुके हैं कि हम अब बिल्कुल तैयार हैं। चाइना क्यों इतना लेट किया है, क्यों फरवरी में वो मान रहा है? ऐसे में सिंह साहब, आप इस बात पे ध्यान देखिए,
अगर हमने विंटर्स वहां पे गुजार दिए हैं, नहीं रखा जाता हिंदुस्तान की तरफ से, अगर सूझबूझ नहीं दिखाई जाती एक एक कदम को उठाने में, तो हालात बद से बदतर होते हुए युद्ध की तरफ जा सकते थे। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? जी हाँ, हम वहां पे वर्स्ट कंडीशन में अपनी पोजीशन को बरकरार रखे थे, रोके हुए थे, हम वहीं पे थे, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार थे। वहां पे प्लेन्स के ट्रुप्स अगर एक विंटर ले लिए विदा कैजुअल्टी के, तो सबसे बड़ी बात अचीवमेंट यही है कि जितना भी विंटर आएगा सियाचिन की तरह भी होगा, तब भी हम उसको चाइना को कहीं ना कहीं हम रोक भी देंगे और उन चाइना का ही नुकसान होगा। अभी कल या परसों एक स्टेटमेंट जनरल वीके सिंह का भी आ रहा था। फाइनल कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। आज के इस समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान की पोजीशनिंग को कितनी मजबूती मिलेगी, कैसा संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो देश की जो इज्जत है, गौरव है, वो जरूर कहीं न कहीं काफी ऊंचा हुआ है, वो भी चीन के अगेंस्ट में। यहाँ तक है चीन, आज तक हम चीन से, आपको जैसे बताया, जो हम कहीं न कहीं उनसे डरते रहे हैं और चीन हमारे ऊपर धौंस जमाता रहा है, लेकिन इस बार चाइना के सामने हिंदुस्तान सीना तान कर खड़ा हो गया और चाइना को डरने के लिए मजबूर कर दिया। सिंह साहब, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। सर, हमें ये नहीं डरा सकता सर, समय की कमी है, जल्दी से सिंह साहब। भारत की पोजीशनिंग मजबूत होती हुई, जो भी अभी अपनी भारत की स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि यहाँ तक कि नेपाल और पाकिस्तान को ही पता है कि भारत इतना सक्षम है कि अगर जितनी ताकत होगी पाकिस्तान की स्थिति उतनी ही कमजोर होती जा रही है, और नेपाल को भी ये पता लग चुका है कि भारत उनके साथ कितना खड़ा है और कितना ही आगे आकर के उनको हमेशा मदद करता रहेगा। और चाइना की स्थिति क्लियर हो गई, पर्दाफाश हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस बात को रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर सेना की तैयारियां, हिंदुस्तानी सरकार की सख्ती और पहाड़ियों पर कब्जा जमाने की जो सूझबूझ के तहत तमाम जो रणनीतियां अपनाई गई राजनीतिक तौर पर भी और अन्य तमाम लिहाज से अगर देखा जाए, तो कुल मिलाकर इन्हीं तमाम चीजों की वजह से ड्रैगन आज पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। हिंदुस्तान के स्वाभिमान ने चाइना के अभिमान को चूर चूर कर दिया। चलिए इसके साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही, आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।